हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लाया हूँ महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1555। इसका जो है क्लच ख़राब हो चुका है। क्लच को मैंने जो नट बोल्ट है निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं ये तार पूरा सारा कुछ मैंने निकाल दिया हूँ। अभी इसको क्या है, अलग करेंगे अभी गाड़ी गाड़ी अलग करके दिखाएंगे। ये जो पाइप है, पाइप को भी खोल लेना है कुछ इस तरीके से। होस पाइप, सारा जो पाइप है पाइप को भी निकाल लेना है। अभी गाड़ी को हल्का धक्का मारेंगे आगे आगे तरफ धक्का मार के गाड़ी को निकाल लेंगे और क्या क्या हुआ है इसमें दिखाएंगे, क्या क्या खराब हुआ है क्लच प्लेट में। अलग कर रहे हैं किस तरीके से। देखिए, मैंने क्लच प्लेट जो है बाहर निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं इसके क्लच हाउसिंग है। अब इसको क्लच हाउसिंग को बाहर निकाल के दिखाएंगे। इसका जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील खराब हो चुका है, फिंगर भी खराब हो चुका है, सारा जो सामान है इसको बदलेंगे और फ्लाईव्हील जो है कटिंग करके लाएंगे। क्लच हाउसिंग हाउसिंग का जो बोल्ट है, बोल्ट खोल रहे हैं। इसको खोलने के बाद जो हाउसिंग है, हाउसिंग बाहर निकाल के दिखाएंगे। देख सकते हैं पूरा बोल्ट मैंने निकाल दिया है। अभी इसको बाहर निकालेंगे किस चीज तरीके से, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं क्लच प्लेट अभी भी 200-300 घंटा चलता, लेकिन इसका जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के कारण नहीं चल रहा है। फ्लाईव्हील देख सकते हैं पूरा गड्ढा हो चुका है। इसको हम लेद में ले जाएंगे, लेद में ले जाके कटिंग करके बराबर करके लाएंगे। देख सकते हैं फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील को निकालेंगे हम कुछ इस तरीके से। इसका 6-19 नंबर बोल्ट है इसमें। इसको हम ले जाएंगे पखंजू लेद में, लेद से कटिंग करके लाएंगे। किस तरीके से कटिंग करेंगे उसको भी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं फ्लाईव्हील का जो बोल्ट है मैंने निकाल दिया है। फ्लाईव्हील निकालेंगे बाहर, ज्यादा पता नहीं है फ्लाईव्हील इसमें। इसका जो फ्लाईव्हील है इतना गड्ढा हो चुका है। इसको हम कटिंग करके लाएंगे। देखिए इसका प्रेशर प्लेट पूरा गड्ढा हो चुका है। हालांकि प्रेशर प्लेट कटिंग करने से चलता है, लेकिन इसको अभी कटिंग नहीं करेंगे। इसका नया लाए हैं, नया बदल देंगे इसको। इसका जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट निकाल रहे हैं 14 नंबर। तो जो फिंगर है, फिंगर लगा हुआ है 14 नंबर बोल्ट से, बोल्ट को निकालने से इसका प्रेशर प्लेट निकल जाएगा बाहर। PTO क्लच प्लेट देख सकते, फ्लाईव्हील कटिंग हो रहा है। इसका मिस्त्री है,
तो जिस तरीके से आपको कटिंग करके ट्रैवल को डाल होना गाड़ी के साथ। ये लेद है, आप देख सकते लेद। दो जगह कटिंग करेंगे इसका। देखिए दोस्तों, मैंने फ्लाईव्हील को कटिंग करके लाए हैं। दो कट मारे हैं इसमें, एक ठो ऊपर में, एक ठो नीचे। यहाँ क्या बोल्ट बैठता है, उसके कारण जब क्लच प्लेट का ऊपर में फंस जाता है, उसके कारण एक नीचे भी एक कट मार दिया हूँ। अभी फ्लाईव्हील को हम सेट करेंगे गाड़ी के साथ। और फिंगर भी नया लाए हैं, फिंगर क्लच प्लेट आप देख सकते हैं। ये इसके क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट भी नया लाया हूँ, फिंगर भी नया लाया हूँ। फिंगर 1800 कुछ रुपए है और जो क्लच प्लेट है 6537 रुपए क्लच प्लेट का रेट। देख सकते हैं फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील को हम सेट करेंगे गाड़ी में। देख सकते हैं फ्लाईव्हील मैंने सेट कर दिया है। अभी इसका जो बोल्ट है, बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ एल्टमी की मदद से। फिंगर फिंगर को सेट कर लेना है हल्का ग्रीस लगा के। अरे पाइप लॉक, अब देख सकते लॉक, लॉक की मदद से इसको लॉक घुसा देना है। ये क्या है, फिक्स हो जाएगा। अभी इसका जो स्प्रिंग है, इस तरीके से आपको डाल लेना है। देख सकते इस तरीके से फिंगर काम कर रहा है। सारा जो फिंगर है अभी सेट कर लिए हैं। अभी इसका वीडियो क्लच है, देख सकते एक साइड ऊंचा है और एक साइड नीचा है। कुछ जो ऊंचा है इसको ऊपर तरफ रख के इस तरीके से आपको सेट करना है। अभी इसके प्रेशर प्लेट वीडियो का, तो डायग्राम स्प्रिंग, प्रेशर प्लेट, फिंगर और प्रेशर प्लेट जो है इसका जो नया है। और फ्लाईव्हील हमने कटिंग करके सेट कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी इसका क्लच प्लेट है, पांच पंखा का क्लच प्लेट है, इसको हम सेट कर रहे हैं अभी। क्लास हाउसिंग इसको भी सेट कर रहे हैं हम। इसका बोल्ट 13 नंबर। देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ी को पूरा सेट कर लिए हैं, क्लच प्लेट भी पूरा सेट कर लिए हैं, इसका फिंगर जो है वो भी सेट कर लिए हैं। फिंगर के बारे में तो पहले आपको बताए थे इस तरीके से आपको फिंगर सेट करना है। अभी गाड़ी को क्या हम जोड़ेंगे, आपस में जोड़ के आपको दिखाएंगे गाड़ी किस तरीके से काम कर रहा है क्लच में। देख सकते हैं मैंने गाड़ी को थोड़ा बहुत बचा है, बाद में पूरा जो है मैं जोड़ लिया हूँ गाड़ी को।
मारो थोड़ा धक्का मारो, और इस तरीके से आपको गाड़ी को आपस में जोड़ना है। तुम्हारा वाला मारो, ये जो मेरे नया हेल्पर लोग है आप देख सकते हैं, देख सकते हैं जो पाइप है, मैंने गाड़ी को पहले पूरा सेट कर लिए हैं। अभी इसका जो पाइप है आइल का स्टीयरिंग पाइप है, देख सकते हैं इसको हम सेट कर रहे हैं। देखिए मैंने सारा गाड़ी कंप्लीट कर लिए हैं, अभी गाड़ी को क्लच भी सेट कर दिए हैं, अभी स्टार्ट करेंगे गाड़ी आपके सामने, उसके बाद चला के देखेंगे किस तरीके से क्लच में काम कर सकता है, काम करेगा आप किस तरीके से आप अपने जो गाड़ी है।